कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की संभावना के मद्देनजर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन भी एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले किसी भी यात्री के लिए एयरपोर्ट पर अलग से स्क्रीनिंग और जांच के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इन यात्रियों को तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी किए निर्देश के अनुसार इन यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना होगा। 7 दिनों बाद पुनः इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। यदि आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो कोविड के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यदि 7वें दिन की आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है तो यात्री को बाद के 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी तो होगा, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ऐसे यात्रियों का पता, वाहन और मोबाइल नंबर लेने के बाद होम क्वारंटाइन के लिए जाने की इजाजत दी जाएगी। घरेलू उड़ानों के लिए एक तो यात्री के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या फिर 72 घंटों के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 15 दिनों में आए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सफर को लेकर इमिग्रेशन विभाग की ओर से जानकारी खंगाली जाएगी। यदि गलत जानकारी उजागर हुई तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोनल मेडिकल टीम की ओर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी।